भारत के सबसे पुराने बैंकों की लिस्ट में शामिल 3 सरकारी बैंकों का अस्तित्व नए साल पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसे में इन बैंकों में जिन लोगों का खाता है उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक की। दरअसल वित्त मंत्रालय ने इन तीनों बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। इन तीनों बैंकों का विलय करके एक नया बैंक बनाया जाएगा। आपको फिर से खोलना होगा खाता। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के बाद आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक या विजया बैंक में है तो आपको अपना खाता फिर से खोलना होगा। खाता खोलने के लिए आपको फिर से KYC की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके बाद आपको नई चेकबुक, ATM कार्ड और पासबुक मिलेगी। सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं बल्कि बैंक के लिए भी विलय के बाद परेशानी बढ़ जाएगी। उनका पेपर वर्क काफी बढ़ जाएगा। क्या होगा आपकी जमा राशि का? इन तीनों बैंकों के विलय के बाद जो बैंक अस्तित्व में आएगा वह SBI और ICICI बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। तीनों बैंकों के ग्राहकों की जमा राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। देश में जो 5 बड़े बैंक हैं उनमें SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। इन बैंकों में SBI में फिलहाल सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय हो चुका है।